भैया केले केले सब वाले भैया हाँ, जब से कोरोना लगा है एक सिपाही आया हुआ है और दुकान उकान लगाने में दिक्कत होती है, लगाएं तो भी 10-10-20 रुपये लेते हैं सबसे, सब दुकानदार से ना दीजिए तो ना देने पे कहते दुकान हटाओ, ये है वो है करते हैं। ऐसो साहब कहे थे कि आप जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है तब तक आप फेरी करके बेच लीजिए। 2 महीने हम कंटिन्यू फेरी करके पूरा सौदा बेचे हैं, कटरा सिविल लाइन हर जगह फेरी करके बेचे हैं। अब फिलहाल सब्जी वाले सब हमारे दर पे लगाए जा रहे हैं, हम लोग का जो जगह है वो कब्जा होता जा रहा है। अब वो उस इसी पे लगा के सब पुलिस वाले पैसा ले रहे हैं और हम लोग को लगाए नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी हटाइए, जो कि हमारे लोग के दर पे सब्जी वाले सब लगा रहे हैं। डेली 400-500 रुपये दे रहे हैं प्रतिदिन। दिक्कत हमको ये है कि पहले गाड़ी यहाँ लगती थी, अभी समय कल और परसों हम लोग वहाँ लगाए थे। परसों भी आके 7:30 बजे बोले कि आप लोग गाड़ी यहाँ से हटा लीजिए, यहाँ पहले गाड़ी लगाते थे। कल भी यही पोजीशन आई, वही आप लोगों को एक बार समझा दिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसके आगे कार्रवाई दूसरी करेंगे, तो हम लोग अपना हटा के यहाँ से और नहीं लगाने पाएंगे तो कैसे करेंगे सर। काफ़ी दिन से गाड़ी लगा, कितने दिनों से गाड़ी काफ़ी यानी मतलब जब यहाँ मंडी आई सिर्फ 7-8 दुकान वहाँ लगती थी, हम लोग गाड़ी यहाँ लगा 2-3 दिन। अब तो बहुत बड़ी मंडी हो गई, जब कटरा से मंडी उठी तो यहाँ यानी मतलब कि मंडी बन गई, इतनी मंडी थी नहीं, 8-10 दुकानें सब्जी वाले रहते थे। हमारी दिक्कत ये है कि जहाँ पे हम लगाते थे वहाँ हम लगा नहीं पाते हैं, और इस जगह सब्जी लाते हैं तो रुपए का माल 4 नहीं बिकता है, परेशान है आज 3 महीने से, 1 पैसा घर में खाने के नहीं है। अब समझ रहे हैं इस तरीके से हम लोग परेशान है, ये समझ लीजिए। अगर मैं वहाँ लगाता हूँ, अगर कोई पैसा भी मांगते हैं तो पैसा इनका बन जाता है, तो समझ लीजिए कि ये सब दिन चलेगा, एक हटेगा तो एक आएगा। कौन पैसा वसूल रहा है? जैसे पैसा वसूलने वाले पुलिस वाले वसूलते हैं और कोई बाहरी थोड़ी वसूलते हैं। क्या कहते हैं? अरे पैसा इसलिए कि पैसा अगर हो तो लगाइए, नहीं पैसा है मत लगाइए। सीधी क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या हम लोगों की है, यहाँ की दुकान वहाँ गई, वहाँ अभी 7-7:30 बजे यहाँ दुकान हटाई है, फिर हम लोग हटा लिए। समस्या यही भाई साहब।